दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 10th पेपर से परामर्श की अवधारणा को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं परामर्श की अवधारणा। जब लोगों को कठिनाई या दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है तो वे सदैव सहायता और परामर्श लेते हैं। यदि हम लोगों को जानने का कोशिश करें और उनसे जो है बातचीत करें तथा उनकी बातों को ध्यान से सुने तो हम पाते हैं कि उनमें से अधिकांश जो है तनाव, अभिघात, पारिवारिक विवाद, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दुरुपयोग तथा उग्रता में है। उनमें बच्चों, जीवन साथी या अन्य संबंधियों से संबंधित मामूली या गंभीर समस्याएं हैं। विद्यालय की समस्याओं या कार्य से संबंधित अधिकारी, सहकर्मियों या अधीनस्थों की समस्याएं हैं अथवा जीवन के सामान्य अवसाद और तनाव की समस्याएं हैं। अतः इन अवस्थाओं में जो है एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें आराम, मन की शांति तथा प्रसन्नता प्रदान कर सके तथा अपने लक्ष्य का ज्ञान करा सके एवं जीवन में अधिकतम जो है उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। लोगों को उपयुक्त परिस्थितियों ने परामर्श की आवश्यकता का प्रादुर्भाव कराया। सही मायने में देखें तो परामर्श की आवश्यकता केवल समस्याग्रसित व्यक्तियों को ही नहीं होती, वरन यह अधिकतम मानवीय विकास और क्षमताओं के लिए सहायता भी है। एक प्रशिक्षित परामर्शदाता विकसित और संघर्षरत व्यक्ति को जो है उसके व्यक्तित्व के सर्वमुखी विकास के लिए वांछित सहायता और निर्देशन प्रदान करता है। परामर्श व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन और समायोजन में दी गई सहायता है। यह मान्यता पर आधारित है कि हर व्यक्ति का यह कर्तव्य और अधिकार है कि वह अपने जीवन को स्वयं अपने तरीके से जीने का चयन करे जब तक कि वह दूसरों के जीवन में व्यवधान न डाले और उनके अधिकारों में हस्तक्षेप न करे। यह इस विश्वास पर आधारित है कि बुद्धिमत्तापूर्ण चयन की योग्यता जन्मजात नहीं होती, वरन इसे अन्य योग्यताओं की भांति विकसित करना होता है। हर व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम होता है, परंतु बचपन से ही वह निरंतर आंतरिक द्वंद्वों या बाह्य रुकावटों से बाधित होता है। उसे आंतरिक रुकावटों को दूर करना सीखना पड़ता है और अपनी सोए हुए सृजनात्मकता को जगाना पड़ता है। परामर्श दाता के पास संवेग की भूमिका सकारात्मक और निषेधात्मक पक्ष को स्पष्ट करने में सहायता करने के अद्वितीय अवसर होते हैं। तो इस प्रकार से जो है परामर्श की अवधारणा में जो है कठिनाई या दुविधा में जो या समस्या से ग्रसित जो लोग होते हैं वो परामर्श की उन्हें आवश्यकता होती है। और इसके अलावा जो है लक्ष्य को ज्ञान कराने में और लोगों के सर्वांगीण विकास में जो है परामर्श की आवश्यकता होती है। यह जीवन के सृजनात्मकता को बढ़ाता है। तो ये था परामर्श की अवधारणा। धन्यवाद। आप इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।